नेहा भसीन और प्रतीक सहजपाल की सुबह सुबह बड़ी लड़ाई हुई है। नेहा ने प्रतीक और अक्षरा पर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिसके बाद प्रतीक एकदम गुस्से में तमतमा गए। अक्षरा को लेकर जो है नेहा ने क्या बोला, आज सुबह जो है प्रतीक ने घर की प्रॉपर्टी तोड़ दी, मैंने आपको बताया, और उनका ये कहना था कि आप लोग सब यहाँ आराम कर रहे हो, कोई भी कॉन्टेंट क्रिएट ही नहीं कर रहा है, बिग बॉस ने इतना बड़ा मौका दिया है और यहाँ पर सिर्फ खा पी रहा है, सो रहा है, जिसके बाद सभी को काफी गुस्सा आ रहा था और अचानक से प्रतीक ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज तोड़ दी। राकेश ने उन्हें दंड दिया कि सारे बर्तन आप धोएंगे, जिसके बाद शमिता जो है वो अक्षरा को कहती है कि उसको दंड मिला है, तो अक्षरा ने बोला वो अकेले क्यों धोएगा, मैं उसका साथ दूंगी, वो तो जब दूसरों की ड्यूटी भी नहीं होता, घर गंदा देखता है तब भी लोगों के भी बर्तन क्लीन करता है, उसकी ड्यूटी नहीं होती। तो दिव्या कहती है हाँ ये मैंने भी देखा है, उसने मेरे भी कप को जो है धोए हैं और ऐसा नहीं है, तो जिस पर अक्षरा कहती है मैं उसका साथ दूंगी। तो नेहा कहती है कि आप पत्नी है क्या, आप दोनों शादी कर लीजिएगा घर से बाहर जाकर, क्योंकि हामी में हामी मिलाती रहती हैं। और यहाँ से बात शुरू हुई और प्रतीक कहते हैं कि हाँ आपको पता नहीं हमारे 8 बच्चे भी हैं, हमने तो शादी कर ली है, घर से भागकर शादी की थी और भागकर शादी की और यहाँ पर बिग बॉस में आ गए। तो नेहा ने इस तरीके की बात जो है अब अक्षरा और प्रतीक के कनेक्शन को लेकर की है, और जो बातें उन्होंने की है वो प्रतीक और अक्षरा दोनों को ही पसंद नहीं आई, और दोनों का ये कहना था कि नेहा को बोलने से पहले सोचना चाहिए, घर के अंदर कनेक्शन इसीलिए बनाए गए हैं ताकि आप एक दूसरे का साथ दें। ऐसे में अक्षरा जो है प्रतीक का साथ देती हुई नजर आई, और ये बात तो साफ है कि जो सबसे बेस्ट कनेक्शन है फिलहाल घर के अंदर वो प्रतीक और अक्षरा का है, और इसीलिए जो है वो बहुत स्ट्रांग जो है धीरे धीरे बनकर उभर कर जो है सामने आ रहे हैं।